कांग्रेस ने आज दावा किया कि प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार विरोधी नारे मात्र आंखों में धूल झोंकना ही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के बेटे जय शाह की कंपनी के अभूतपूर्व मुनाफे के मुद्दे को प्रयोग में लाते हुए आक्रामक हुई कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भ्रष्टाचार के खिलाफ नारेबाजी केवल एक ढोंग के समान है। आज जम्मू में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय कुमार ने प्रधानमंत्री से सवाल करते हुए पूछा कि वो देश को किस तरह सुरक्षित रख पाएंगे जब वे एक घोटाले पर ध्यान नहीं दे पा रहे। उन्होंने जय शाह के स्वामित्व वाली कंपनी पर लगे आरोपों की जांच करवाने की मांग करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री परीक्षा की घड़ी से गुजर रहे हैं। Look, we are doing, we are making the people of India aware, all over India. What Mr. Amit Shah and his son have been doing, how a young man can increase his wealth by 16 lakh percent, how a company can get money of 50 crores from abroad and have no inquiry, how business houses, right from Mr. Parimal Natwani Samdi, Rajesh Khandwala of KIFS Financial Services gives 15 crore loans. How Kalupur Cooperative Bank of Nirma family gives 25 crore loans. How Piyush Goyal gives a 10 crore loan on solar energy only to Amit Shah's children to highlight the massive corruption to the Pradhan Sevak's right hand man. Pradhan Sevak ke daine mein baithe hue vyakti. इसका मतलब है कि पूरी तरह से इस धोखाधड़ी में मोदी जी का आशीर्वाद है। इसकी जांच होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्ली टाइम्स।